CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 14 लोकगीत, पृष्ठ संख्या 97। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। पृष्ठ संख्या 98। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दकन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, उरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। पृष्ठ संख्या 99। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों
और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। पृष्ठ संख्या 100। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जेवनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। पृष्ठ संख्या 101। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है?
उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। पृष्ठ संख्या 102, प्रश्न अभ्यास, निबंध से। प्रश्न एक, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। प्रश्न दो, हमारे यहां स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? प्रश्न तीन, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोक गीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोक गीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? प्रश्न चार, पर सारे देश के से लेकर अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। अनुमान और कल्पना। एक, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। दो, जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। पृष्ठ संख्या 103, भाषा की बात। एक, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। दो, बारहमासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। आगे चलकर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। ये सूची है इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। तीन, को, मे, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है, इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने रिक्त स्थान अंग्रेजी के एस या सी अक्षर रिक्त स्थान तरह होती है। भारत रिक्त स्थान विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे रिक्त स्थान बना यह वाद्य अलग अलग नामों रिक्त स्थान जाना जाता है। धातु की नली रिक्त स्थान घुमाकर एस रिक्त स्थान आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा सकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने रिक्त स्थान एक छोटी नली अलग रिक्त स्थान जोड़ी जाती है। राजस्थान रिक्त स्थान इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात रिक्त स्थान रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश रिक्त स्थान नरसिंघा रिक्त स्थान नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में
पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। कुछ करने को। एक, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। दो, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तीन, रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। पाठ समाप्त। पृष्ठ संख्या 104। केवल पढ़ने के लिए दो हरियाणवी लोकगीत। ऋतुगीत। सावण में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग मारे, श्याम घटा घन गहर सी आवे, देख लहर पै लहर सी आवे, हमें कृष्ण बिन कहर सी आवे, आगे फेर सलोनो आती, हमें श्याम बिन वृथा लगाती, गंगा दास लेस न पाती, हम मोह सिंधु में बह गए, कहो धोवें दाग हमारे। संत गंगादास 1823 से 1913। विदाई गीत। काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया, कंकरी मारे उड़ जाएं रे, लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल चूड़े की गौएं, जिधर हाको हक जाएं रे, लखी बाबुल मेरे, घर भी सूना आंगन भी सूना, लाडो चली पिता घर त्याग, घर में तो उसके बाबुल रोवें, अम्मा बहन उदास, कोठे के नीचे से निकली पलकिया निकली पलकिया, आम नीचे से निकला है डोला, भैया ने खाई है पछाड़। ये एक पारंपरिक गीत है। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।